सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बात करेंगे। इस टॉपिक को अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया था और बहुत दिनों से मेरा मन था इस पर आपसे बात करने का। तो चूंकि ये बहुत ही ब्रॉड एरियाज़ को कवर करती है पॉलिसी, तो हम लोग छोटे टॉपिक से आज शुरू कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है, हमें जानना भी चाहिए और छोटा भी है और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी टॉपिक हम लोग एक एक कर कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। बिकॉज ये रीसेंट है, हमको पता होनी चाहिए हम एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हों या ना जुड़े हों, और स्पेशली एजुकेशन के पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। ओके, तो शुरू करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा को किस रूप में देखती है। लेट्स स्टार्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात करने से पहले हम लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन की जर्नी पर एक नज़र डालनी होगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हमेशा से इसी रूप और इसी नाम से हमारे सामने है। तो इसका उत्तर है नहीं। पहले ये स्पेशल एजुकेशन थी जो कि फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन हुई और उसके बाद में इसने अपना ये रूप इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में ग्रहण किया है। तो स्पेशल एजुकेशन क्या था या क्या थी कि विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा का तात्पर्य होता था कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में दी जाएगी, है ना। यानी कि ये सेग्रीगेशन का कंसेप्ट था। तो जब मानव प्रेमी, जब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और इन सब लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेग्रीगेशन गलत है और हमें उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना होगा, मुख्य धारा से समाज की शामिल करना होगा, तो स्पेशल स्कूलिंग इज नॉट दैट मच राइट। तो इसके आगे एक ब्रॉड कंसेप्ट आया, एक प्रोग्रेसिव कंसेप्ट आया, जिसने कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का नाम दिया गया जिसको। तो इन्होंने कहा इंटीग्रेटेड एजुकेशन के मानने वालों ने कि ऐसा करते हैं कि एक एक मेन प्रिमाइस ले लेते हैं और उसमें स्पेशल क्लासेस भी चलेंगी स्पेशल बच्चों की और नॉर्मल बच्चों की नॉर्मल क्लासेस भी चलेंगी। तो इसमें भी कई सारी खामियां थीं, उन खामियों को दूर करते हुए ये मोस्ट मॉडर्न मोस्ट प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है जिसको कि आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में जानते हैं और इसको समावेशी शिक्षा के नाम से हिंदी में जाना जाता है। ठीक, तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि एक दोनों तरीके के बच्चे, मतलब विशिष्ट बच्चे भी और सामान्य बच्चे भी, एक ही कक्ष में एक ही विषय अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाएंगे एक ही प्रमाइसेस में एक ही स्कूल में। ये इसका कंसेप्ट है। यानी कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या वर्क कर रही है, एजुकेशन फॉर ऑल, लर्निंग फॉर ऑल, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसके पीछे काम कर रही हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन को हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के लिए हमने जो डिफिनीशन ली है वो है RPWD एक्ट 2016 से ली गई है। तो RPWD का फुल फॉर्म क्या है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। जो भी लोग स्पेशल एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि PWD एक्ट हम लोग पढ़ते थे, PWD एक्ट 1995 जब हम पढ़ते थे, जब तक ये 2016 वाला नहीं आया था। तो ये जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट है, इसी को बदल कर या इसी को और मॉडिफाई करके राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के रूप में लाया गया है। तो क्या अंतर है PWD और RPWD में, कि इसमें हम जो है वो आपका ये जो कंसेप्ट है डिसेबिलिटी का, इसको इवॉल्विंग रूप में देख रहे हैं, मतलब इसको और ब्रॉडन रूप में देख रहे हैं, इसको और अच्छे पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं, इसको हम हेय दृष्टि से यहाँ नहीं देख रहे हैं। आपको पता होगा कि इसीलिए अब हम इन बच्चों को, इन जनों को, इन इंडिविजुअल्स को दिव्यांग जन के नाम से जानते हैं, ना, दिव्य अंग है जिसके पास, यानी कि वो ऐसा कुछ उनके पास है जो हमारे पास नहीं है, यानी उनमें कोई कमी नहीं है, बस स्पेशलिटी है। वो स्पेशलिटी पॉजिटिव एंड में भी हो सकती है, नेगेटिव एंड में भी हो सकती है। ओके, तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कैसे डिफाइन करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, कि इट इज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का एक निकाय है, एक तंत्र है। क्या होता है उसमें, वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज, जहां पर डिसेबिलिटीज के साथ वाले भी और विदाउट डिसेबिलिटीज वाले बच्चे भी लर्न टुगेदर, साथ सीखेंगे, साथ सीखते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इट सूटेबली अडेप्टेड, यानी कि जो हमारा शिक्षण अधिगम का जो तंत्र है उसको हमने अडेप्ट किया है, अनुकूलित बनाया है, किसके लिए, टू मीट द लर्निंग नीड्स, जिससे कि हम उनकी अधिगम की जो आवश्यकताएं हैं उनसे मिल सकें, यानी कि उनको पा सकें, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि जितने भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार के जो छात्र हैं जिनमें कोई डिसेबिलिटी है, तो उनकी लर्निंग नीड्स को हम पा सकें, फुलफिल कर सकें, उसके लिए हमने अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी को अडेप्ट किया है और विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज के बच्चे साथ पढ़ेंगे।
ओके बच्चे मतलब छात्र है, बात बच्चे निकल जा रहा है मुंह से, ओके सॉरी, फिर क्या कह रहा है, सॉरी, दिस पॉलिसी रीअफर्म्स, रीअफर्म्स से आपको समझ जाना चाहिए कि पहले भी ये बातें की जा चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम 2020 में ही ये बात कर रहे हैं, रीअफर्म्स माने कि हम पुनः उस पर पुष्टिकरण कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अबाउट ब्रिजिंग द सोशल कैटेगरी गैप्स, यानी कि हमारे जो समाज में जो सोशल कैटेगरी के गैप्स हैं, किस किस चीज़ों में गैप्स आए हैं, एक्सेस यानी कि पहुँच नहीं है किनकी, ये जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेशन यानी ये अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, एंड लर्निंग आउटकम्स इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो हम मान के चलते हैं, जो हम प्रपोज करते हैं, जो हम एज्यूम करते हैं कि हम ये लर्निंग आउटकम्स हमको मिल जाएंगे इस स्कूलिंग के बाद, उस तक हम नहीं पहुंच पाते, तो वो जो गैप है उसको हमको फिलफिल करना है, ब्रिज करना है एक्सेस, पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम्स का. ओके नेक्स्ट. अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो हमें देखना ये होगा कि हम इंक्लूड किसको करना चाहते हैं, कौन है जो छूट गया है, कौन है जो वंचित है, जिसको हमको इंक्लूड करके अपनी शिक्षा को पर्टिकुलरली इंक्लूसिव एजुकेशन बनाना है. तो जब हम स्पेशल एजुकेशन में पढ़ते थे या पढ़ते हैं, तो जनरली हम अपने आप को संकीर्ण कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा 2020 में इसको ब्रॉडर आस्पेक्ट देते हुए कई कैटेगरीज बांटा है और इसको नाम दिया है कि हमको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, SEDGs. इसका फुल फॉर्म क्या है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से ये समाज के वंचित समूह हैं. तो इसमें इन्होंने सबसे पहला फोरमोस्ट प्रायोरिटी किसको दी है, जेंडर आइडेंटिटीज को. देखिए आप जब भी कोई डेटा देखेंगे किसी चीज़ का, जब भी आप कोई लेख पढ़ेंगे, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे डेटा से उसकी पुष्टि होगी कि जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उसमें फीमेल जो है वो और लोअर एंड पे होती है बनिबस्त की मेल के, अपने काउंटर पार्ट के. इसलिए वो वैसे अगर SC देखेंगे तो SC मेल फिर भी हायर स्टेज पे, SC फीमेल खराब स्थिति में. यही हाल STs में, OBCs में, माइनॉरिटीज में है, एवरीवेयर है ना, दिस सिचुएशन परसिस्ट. तो हमने इसीलिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जेंडर आइडेंटिटीज को लिया जो छूट जाते हैं. तो उसमें भी देखिए आप हर जगह इनका एक प्रोग्रेसिव हमको आस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कि फीमेल तो लिया ही लिया है, ट्रांसजेंडर भी लिया है ना. क्यों? क्योंकि आप लोग खुद ये महसूस करते होंगे कि जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, इवन अब गूगल फॉर्म्स में भी जब वो सेक्स पूछता है तो मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी पूछता है ना. तो उसको क्यों, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी को पुख्ता स्थान मिल सके. ओके देन सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहचान है. तो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान किससे बनती है, जैसे कि SCs हो गए आपके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज है ना. तो ये भी डिसएडवांटेज सेक्शन हमारे समाज का बनते हैं. फिर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, यानी कि भौगोलिक पहचान में कहाँ गड़बड़ी आ रही है. जैसे कोई गाँव का है, कोई छोटे कस्बे का है, कोई पास ऐसी जगहों का है जो बहुत पॉश एरियाज नहीं है, और उसका कंपैरिजन जब आप एकदम मेट्रो से करेंगे दिल्ली बॉम्बे और आपका ये दिल्ली मुंबई और बैंगलोर जैसे, बेंगलुरु सब नाम बदल गए हैं, उनसे करेंगे तो निश्चित रूप से उनके परसेप्शन में, उनकी आइडेंटिटी में अंतर आता है. तो वो डिसएडवांटेज क्यों, क्योंकि उनकी पहुँच नहीं है, कह रहे हैं ना कि एक्सेस में कमी है, कि बेस्ट इंस्टीट्यूशंस तक उनकी पहुँच नहीं है. ओके देन डिसेबिलिटीज, हम लोग इसी को पर्टिकुलरली स्पेशल एजुकेशन में पढ़ते हैं या पढ़ते थे, और इंक्लूसिव एजुकेशन में इन्हीं का इंक्लूजन मेनली समझ रहे थे, जो कि लर्निंग डिसेबल्ड है ना, यानी कि पढ़ने लिखने में उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, जैसे डिसलेक्सिया और इस तरीके की कैटेगरीज वाले जितने बच्चे होते हैं ना, जिनको स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, बी को डी, डी को बी लिख देते हैं, ए सी में दिक्कत है, इस तरीके की दिक्कत वाले. तो ये पर्टिकुलरली एकेडमिक डिसेबिलिटीज हैं. और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अगर हमारी दशा खराब है तो भी हम समाज के एक वंचित सदस्य बन जाते हैं. तो उसमें कौन कौन आ सकता है, माइग्रेंट्स है ना, कहीं और से आए हुए हैं, लो इनकम हाउस होल्ड्स, उनके परिवार की आर्थिक आय कम है, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, कोई दुर्घटना या दुर्व्यवहार हुआ है उनके संग, या
या शहरी गरीब जो शहर में रहते तो हैं, गांव से पलायन करके आ गए लेकिन उनके पास प्रॉपर उनके पास इनकम का जरिया नहीं है, तो वो गरीब हैं, तो वो भी डिसएडवांटेज सेक्शन में आते हैं। तो हमारी जो NEP 2020 है वो ये मान के चल रही है। अच्छा, आपको ये भी सोचना होगा कि हमने ये अज्यूम किया है कि हम इनको इनको कवर करेंगे, इनको इनको हम अपलिफ्ट कर देंगे, इनको इनको हम इंक्लूड कर देंगे, है ना, क्योंकि ये तो अभी इन्होंने फ्यूचरिस्टिक विजन है ना कि हम अगले 2030 तक का मेनली इन्होंने लिया है क्या क्या कर पाएंगे। तो ये पांच हुए हमें याद रखने चाहिए, जेंडर आइडेंटिटी, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, डिसेबिलिटीज एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। देन रिकमेंडेशंस हमको याद करनी होंगी, पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं तब तो आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो दोनों ही दशाओं में हमें याद होगा तभी हमारा काम चल पाएगा। तो जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं और या इवन NEP में, आप ये भी कहीं पढ़ने का टॉपिक हो सकता है, ये भी किसी लेक्चर का किसी वीडियो का टॉपिक हो सकता है कि हम एब्रीविएशंस ही सारे जान जाएं। NEP 2020 में कितने, बहुत हैं, हम लोग भी कई बार दिमाग से निकल जाता है कि क्या था। तो देखिए CWSN, ये आपको पता होना चाहिए क्या है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उसी तरह से SEZ, ये क्या है, स्पेशल एजुकेशन जोन। उसी तरह से SEDG, आपको पता चल गया, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो हमको वो चिल्ड्रन, वो बाल बच्चे जो कि किसी स्पेशल नीड है उनकी, देखिए हम उनको मेंटली रिटार्डेड नहीं कह रहे हैं, हम उनको डिसेबल्ड नहीं कह रहे, बल्कि हम उनको कह रहे हैं कि उनके स्पेशल नीड्स है। यानी कि आप जब स्पेशल एजुकेशन की हम लोग डेफिनेशन शुरू शुरू में पहली पढ़ते थे तो ये होता था, मतलब वहीं से शुरू ही होती है कि वो बच्चे जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग से उनका काम नहीं चलता, यानी कि उनको कुछ स्पेशल चाहिए, टीचिंग लर्निंग में, मेथोडोलॉजी में, करिकुलम में, सिटिंग अरेंजमेंट में, कहीं उनको कुछ स्पेशल उनकी रिक्वायरमेंट है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या कहा जा रहा है कि इनेबलिंग मैकेनिज्म, यानी कि ऐसी हम कार्य प्रणाली बनाएं जो कि उनको डील कर सके, किनको, जो कि स्पेशल नीड्स हैं जिनके पास, पहली बात। दूसरी बात कही जा रही है कि हम ये चिन्हित कर लें कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में वो लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि विशाल जनसंख्या के वो समूह जो एजुकेशन डिसएडवांटेज्ड हैं, है ना, तो उनको हम क्या करें, मतलब चिन्हित कर लें कि यहाँ 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 है लोकेटेड है, तो उनको हम स्पेशल एजुकेशन जोन का दर्जा दे देंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, मतलब पहले तो डिक्लेयर करें कि ये SEZ है, फिर जितनी भी हमारी संस्तुतियां हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, वहां पर एक्सिलरेटेड वे में चलाई जाए, उनको बहुत फोकस किया जाए और हमको पता हो कि ये एरिया ज्यादा पिछड़ा है तो हम उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। फिर क्या कहा है GOI ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो विल कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि गठित करेगा, क्या गठित करेगा, जेंडर इंक्लूजन फंड, यानी कि धन की कमी ना है, धन की कमी अक्सर इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, तो क्या किया जाए कि हम एक ऐसा फंड बनाए जो कि स्पेशली जेंडर इंक्लूजन हो, यानी कि फीमेल्स और ट्रांसजेंडर के हितों को ध्यान में रखते हुए कि उनको हम इक्विटी, मतलब उनको हम समता पर ला पाएं, उनको बराबर कर पाएं, उनको मुख्य धारा में शामिल कर पाएं, तो इसके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाए, इसकी बात की गई है। इसके अलावा इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, इसकी भी बात की गई है। तो इंक्लूजन फंड में जेंडर आइडेंटिटीज के अलावा जो चार हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात की जाएगी, और जेंडर इंक्लूजन फंड एक्सक्लूसिवली फॉर जेंडर आइडेंटिटीज होगा। फिर क्या कहा जा रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास विल बी स्ट्रेंथेंड एंड एक्सपेंडेड, यानी आपको पता होना चाहिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना ही किशोरियों के विकास के लिए हुई थी ना, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिनकी एक्सेस अच्छे स्कूल्स तक नहीं है, जो गरीब परिवारों से आती हैं लड़कियां, उनकी शिक्षा उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इनको और स्ट्रेंथेन किया जाएगा, इनको और शक्ति प्रदान की जाएगी, धन इनको और प्रदान किया जाएगा, फंडिंग इनकी की जाएगी, और ये और विस्तार भी इनका किया जाएगा ताकि हम एडोलेसेंट गर्ल के लिए अच्छा काम कर पाए। फिर मोर जवाहर नवोदय विद्यालयास एंड केंद्रीय विद्यालयास विल बी बिल्ट, यानी और जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाएं और केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, है ना, बनाए जाएंगे। आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय की स्थापना के पीछे फिलॉसफी क्या है, कि जो वो बच्चे जो रिमोट एरियाज में हैं, जो उन जगहों पे हैं जहाँ अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, जो शहर से दूर हैं, वो मेरिटोरियस बच्चों के लिए ये विद्यालय खोले गए थे, और ये विद्यालय बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है यहाँ पे, और आपको ज़रूर अपने आसपास के लोग पता होंगे जो नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छी जगहों पर, और
वो उसका पूरा श्रेय अपने शिक्षकों को ही देते हैं। और केंद्रीय विद्यालय ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सब और खोले जाएं ताकि हम जो लॉट हमारा छूट जा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटीज जेंडर है ना, उन सब को लेकर अच्छा उनका काम कर सकें, उनको इंक्लूड कर सकें। देन और क्या कहा गया कि NIOS का फुल फॉर्म, देखिए कितने फुल फॉर्म हमको पता चल रहे हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके लिए क्या कहा गया कि ये हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स बनाएंगे। अच्छा, ओपन स्कूलिंग का भी एक छोटा सा यहाँ पे आप जो लोग नहीं जानते हैं, स्टूडेंट्स मेनली, ओपन स्कूलिंग मतलब वो लोग जो नॉर्मल स्कूलिंग से छूट गए, जो ड्रॉप आउट हैं, जो लेफ्ट आउट हैं, तो वो वापस अगर अपनी स्कूलिंग पूरा करना चाहते हैं तो जैसे ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, उसी तरह ओपन स्कूल का भी कंसेप्ट है। तो वो उसके लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, तो वो क्या करेगा, हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स बनाएगा टू टीच इंडियन साइन लैंग्वेज एंड टू टीच अदर बेसिक सब्जेक्ट्स यूजिंग दिस। तो ये इसको जिम्मा सौंपा गया है। फिर क्या किया जाए, क्या किया जाएगा, रिसोर्स centers in conjunction with special educators will support the rehabilitation and educational needs of learners with severe or multiple disabilities. तो ये हम सबको पता है कि हम inclusion जब inclusive education की बात करेंगे तो हम normal classroom में सिर्फ mild disability को ही treat मतलब डील कर सकते हैं, उसी का काम हमारी टीचिंग लर्निंग से चल सकता है। हम स्पेशल एजुकेटर नहीं है, हम का मतलब वो हर वो बंदा जो स्कूल में खड़ा है, वो ही और शी इज़ नॉट स्पेशल एजुकेटर। तो वो जिनको सीवियर या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए रिसोर्स सेंटर्स खोले जाएंगे, और जिनको कि कंजंक्शन विद स्पेशल एजुकेटर्स यानी कि उनको स्पेशल एजुकेटर से जोड़ा जाएगा, और वो सपोर्ट करेंगे, सहायता देंगे किसमें, उनके पुनर्विन्यास और एजुकेशनल नीड्स को केटर करने के लिए। फिर क्या किया जाएगा, स्पेशल एक्शंस, विशिष्ट हम एक्शंस लेंगे किसके लिए, विल इंक्लूड द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अलाउइंग एंड इनेबलिंग चिल्ड्रन टू वर्क एट देयर ओन पेस। जब हम NEP की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो ज़रूर उसमें आएगा, क्यों, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हम और आगे की बात करें तो और टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे वो स्पेसिफिक एक्शन करें जिससे कि हम इन बच्चों ये अपने पेस से सीख सकें ना, जिस किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी का हम जब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन को मिलाकर सीखता है। तो जब प्रीवियस एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके पास, तो हमको उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमको कुछ उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, हमको उसके पेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इन सब में टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करेगी। फिर न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी कि देखिए अभी ये 2017 का है, आई थिंक, मैं शायद ईयर भूल रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, मैंने लिखा भी नहीं है इसमें, आप चेक कर लीजिएगा कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर खोला गया है या खोला जाएगा, सॉरी खोला गया है, जो करेगा, क्या करेगा, इसका नाम है परख। देखिए ये भी एक एब्रीविएशन है, और ये क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन। ओके, देखिए इतने सारे टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इतना तो आप, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि हमको होलिस्टिकली किसी को असेस करना है, किसी को मतलब स्टूडेंट को, है ना, क्योंकि स्पेशल है ना, तो हो सकता है कोई एबिलिटी उसमें कम हो तो कोई ज़्यादा हो, तो जो उसकी अच्छी है उसमें जो पोटेंशियल है उसको हम असेस करें। तो इसके लिए जो परख बनाया गया है, जो असेसमेंट सेंटर, वो फॉर्मुलेट करेगा गाइडलाइंस, हमको बताएगा एंड रिकमेंड, और हमको संस्तुत करेगा क्या, अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर कंडक्टिंग सच असेसमेंट, कि इस तरीके के आकलन कैसे किए जाएं, उसके लिए हमको अप्रोप्रिएट टूल्स भी बताए जाएंगे। फिर alternative forms of schools will be encouraged to preserve their tradition or alternative pedagogical styles. देखिए कुछ schools होंगे जो mild disability के बच्चों को लेते होंगे और वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो हमको क्या करना है, इस तरीके के जो alternative schools हैं उनका जो tradition है, जो वो culture follow करते हैं, और जो alternative pedagogical style है उनके पास, उसको प्रोत्साहित करना है कि वो preserve करके रखें, सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, और उसको disseminate भी करें, awareness बाकी लोगों में हो, बाकी schools में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में, कि ये भी एक तरीका हो सकता है पढ़ने पढ़ाने का, और हम इस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन को सही मायनों में हासिल कर सकते हैं। तो ये पेडागॉजिकल स्टाइल क्या होगी, इंक्लूसिव पेडागॉजी होगी, क्यों, क्योंकि हम इंक्लूड करके चलेंगे, वो जो प्लस माइनस कहीं भी किसी भी प्रकार की स्पेशलिटी उसके पास है उसको केटर करते हुए चलना।
फिर क्या किया जा सकता है, क्या किया जाएगा, ब्रिज कोर्सेज बनाए जाए, है ना, सेतु पाठ्यक्रम बनाए जाए, या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। कैसे? थ्रू फी वेवर्स, उनकी हम फीस माफ कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। किसको? हर किसी को नहीं, जो टैलेंटेड एंड मेरिटोरियस है, यानी कि वो उस तबके से भी जो आ रहा है लेकिन टैलेंट है उसके पास, वो मेरिटोरियस है, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, तो हम उसको कि वो और अच्छा करे और बाकी बच्चे भी अच्छा करने की कोशिश करें, उनके लिए जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम इस तरह से उनको दे सकते हैं। फ्रॉम ऑल SEDGs, सभी जितने भी सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, है ना, ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में ये किया जा सकता है, स्पेशली एट दी सेकेंडरी स्टेज। क्यों सेकेंडरी स्टेज की बात की जा रही है? ताकि सेकेंडरी स्टेज वो हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन में एंट्री के लिए, है ना। तो हायर एजुकेशन की जब हम इतनी बुरी स्थिति आज देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सेकेंडरी स्टेज का भी कुछ हिस्सेदारी है कि वहाँ से क्यों इस तरीके का हायर एजुकेशन में एंट्री हो रही है। तो अगर हम सेकेंडरी स्टेज को पुख्ता कर लेंगे, तो निश्चित रूप से हमको हायर एजुकेशन में अच्छे बच्चे मिलेंगे, तो वो आगे जाके रिसर्च और ये सारी चीज़ों में बढ़िया काम करेंगे। तो हम ब्रिज कोर्सेज या फाइनेंशियल उनको ऑफर कर सकते हैं या करेंगे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कितना भी सरकार कर ले, कितनी भी पॉलिसी आ जाए, कितना भी पैसा खर्चा कर लिया जाए, लेकिन ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में, सेंसिटाइजेशन। हमको सेंसिटाइज होना है, हमारे अंदर वो अनुभूति आनी चाहिए कि उनके के संग कोई विशिष्टता है, वो कोई हमसे कमतर नहीं है। आपने भी देखा होगा ना, पैरालंपिक का भी हुआ है, और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उन्होंने मेडल्स जीते हैं और वो बहुत 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 बढ़िया उनका प्रदर्शन है। तो हम आप तो मतलब जो खिलाड़ी नहीं हैं वो तो उनके जैसा भी नहीं खेल सकते हैं, हम तो नहीं जीत सकते लंबी कूद, ऊँची कूद और कुछ भी इस तरीके का। तो वो उनके पास विशिष्टता है, हमको उनको इस नज़रिए से देखना है और उनके लिए सेंसिटाइज होना है। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीतियाँ तो बनती रही हैं और बनती रहेंगी, तो प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ, उनका कलीग, उनके फ्रेंड्स, उनका जो फ्रेंड सर्किल है, पीयर ग्रुप है, सबको सेंसिटाइज होना है उनके लिए। ऑल हैव टू बी सेंसिटाइज टूवर्ड्स नीड्स ऑफ सच चिल्ड्रेन, देन ओनली दिस इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई मायने है, कोई इसका अर्थ है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन का फायदा है, इतने करोड़ों रुपये खर्च करने का कोई लाभ है। तो बस इतने पॉइंट्स जो हैं वो, आई थिंक लास्ट इज थैंक यू, यस, इतने पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स ऑलमोस्ट सभी कवर कर लिए हैं मैंने, बस कुछ ही रिपीटेटिव और जो इसी में इंक्लूड हो सकते थे वही छोड़े हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समावेशी शिक्षा को इस रूप में देखती है। तो आई होप आई वॉज क्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड यू दिस टॉपिक, इंक्लूसिव एजुकेशन विद स्पेशल रिगार्ड टू NEB 2020, ओके? So done from my side.